हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश बाली है। आपने फिल्मों में देखा है फिल्म स्टार्स गाना गाते गाते कभी सडनली डीप ओशन में होते हैं और कभी कभी जंगल में चले जाते हैं। तो रियलिटी में वो वहाँ जाते नहीं हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी क्रोमा की के नाम से है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उस टेक्नोलॉजी में शूटिंग के दौरान उनके पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन कलर का कर दिया जाता है, ग्रीन पर्दा लगा दिया जाता है, जिससे कि जब वो शूट होने के बाद वीडियो एडिटिंग की जाती है तो बैकग्राउंड को जैसा चाहे वैसा शिफ्ट करके चेंज कर लीजिए। दोस्तों, एक्चुअल में हम ये दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। खाली हमने क्या किया कि क्रोमा की फीचर के थ्रू हमने ये डबल रोल करके पीछे का अपना बैकग्राउंड हटा दिया है। ये आप भी बड़ा आसानी से कर सकते हैं, इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ये वीडियो ख़त्म होने को आएगा और आपको उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको पसंद आया कि नहीं आया, पसंद आएगा तो थम्स अप, पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक करिएगा। बट लाइक करें या डिसलाइक करें, अपने कमेंट्स को डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में ज़रूर डालिए, हम लोग इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। एंड्रॉयड में जैसे ही आप काइनमास्टर डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। तो आप इस पे सेंटर पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्लिक करिए, एम्प्टी प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको मीडिया ब्राउज़र में जाना है और बैकग्राउंड चूज़ करना है जो आप बैकग्राउंड में वीडियो के दिखाना चाहते हैं। हमारे पास एक इमेज है दिल्ली में पुराना किला की, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड में डालने के लिए। अगर आप काइनमास्टर यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे कि इसको ड्रैग करके आप आगे ला सकते हैं टाइमलाइन के। और अगर आप काइनमास्टर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका बारे में हमने रिव्यू अपने दूसरे चैनल में कर रखा है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है टेक्नोफेयर। अभी हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसको टिक को क्लिक करके ओके कर देंगे और अब इसके ऊपर वीडियो प्लेस करेंगे लेयर के थ्रू। तो लेयर पे आप टैप करिए, उसके बाद यहाँ से हम वीडियो चूज करेंगे जिसकी हम एडिटिंग करना चाहते हैं, जो कि हमारे पास ओपन कैमरा ऐप के अंदर अवेलेबल है। ग्रीन स्क्रीन से रिकॉर्ड हुआ वीडियो, इसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ से ड्रैग कर वीडियो को प्लेस कर दिया जाएगा पूरे स्क्रीन के ऊपर और ये टिक के एरो पे टैप कर इसको ओके कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद हमारे को इमेज की लेंथ को वीडियो की लेंथ के बराबर ड्रैग करके बड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए हम इमेज पे एक बार ही क्लिक करेंगे और राइट साइड में जो कॉर्नर्स बन जाएंगे इसको ड्रैग कर हम इसको बड़ा कर देंगे। जितना वीडियो की लेंथ है उतना उस पर ड्रैग कर काफ़ी आसानी से काइनमास्टर में इमेज को बड़ा किया जा सकता है। अब हम ड्रैग कर शुरुआत में जाएंगे और यहाँ से एक बार इस वीडियो को प्ले करेंगे कि वीडियो में क्या है। प्ले। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को अच्छा करने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत है। एक तो ऑफ कोर्स ये ग्रीन कलर का पर्दा, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। वैसे तो ये ग्रीन की जगह अगर ब्लू होगा तो भी इफेक्ट अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्लू कलर इसलिए लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ब्लू कलर की आप टी शर्ट या शर्ट भी पहन सकते हैं शूटिंग करते टाइम, तो बैकग्राउंड इरेज होते होते आपका शर्ट भी इरेज हो जाएगा साथ में, तो इसलिए लोग ग्रीन कलर को प्रेफर करते हैं। प्लस ग्रीन की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है इन कंपेरिजन टू ब्लू या कोई और कलर के। प्लस एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप शूट करते हैं तो आपके बैकग्राउंड के अंदर शेडो नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपकी लाइटिंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। पॉज। इस वीडियो की शुरुआत में जाने के लिए हम इस बैक बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक क्लिक से शुरुआत में आ जाएगा। अभी हम समझते हैं इस सॉफ्टवेयर में क्रोमा की का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले एक बार आप टैप करिए वीडियो के ऊपर। एकदम से कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगी, जैसे कि इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन। इन्हीं ऑप्शंस में थर्ड या फोर्थ जगह पे आपको क्रोमा की दिखाई देगा, इसको ओपन करिए। ओपन करके आप क्रोमा की को एनेबल कर दीजिए। एनेबल करते ही आप नोटिस करेंगे सडनली ये ग्रीन बैकग्राउंड हट गया और उसकी जगह ऑलमोस्ट 80-90% इमेज क्लियर होके पीछे पुराना क्लियर बैकग्राउंड में आ चुका है। यहाँ पर आपको दो टूल्स दिखाई देंगे। ऊपर का टूल आप पे फोकस कर रहा है, अगर आप इसको ड्रैग करें तो आपके अपीयरेंस में फ़र्क आएगा, और नीचे का टूल आपके बैकग्राउंड पे फोकस कर रहा है। इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर देख सकते हैं कि किस लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन अपीयरेंस बेहतर हो रही है, और जिस लेवल पे आपको लगे कि ग्रीन इफेक्ट हट चुका है और आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सामने आ चुका है, वहाँ पर इसको आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप जाकर नेक्स्ट ऑप्शन डिजिटल कर्व में भी चेंजेस कर सकते हैं। डिजिटल इफेक्ट काफ़ी इनडेप्थ एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सपोज जिसकी आप एडिटिंग कर रहे हैं उसमें सिर के बाल सही ढंग से ग्रीन इफेक्ट से हट रहे हैं नहीं हट रहे, उस तरह के एडिटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों काम कर लेने के बाद आप राइट पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो एडिटिंग ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म होने जा रही है।
इसके बाद इसको प्ले करके देखिए। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को अच्छा करने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत है। एक तो ऑफ कोर्स ये ग्रीन कलर का पर्दा, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का पर्दा की बात हो रही थी बैकग्राउंड में, और एक्चुअली पर्दे की जगह बैकग्राउंड में पुराना किला का पूरा मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सारा शूट मॉन्यूमेंट के आगे खड़े होकर किया गया है। दोस्तों काइनमास्टर के अंदर जो क्रोमा की फीचर है, इसके अंदर और भी कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार दोबारा वीडियो पे क्लिक करके हम क्रोमा की पे जाएंगे, और यहां पर अगर आप की कलर पे क्लिक करें तो आप यहां पर डिफरेंट कलर भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रीन की जगह ब्लू कलर का बैकग्राउंड है तो आप ब्लू को भी चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एडिटिंग हो जाए। बट फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप ग्रीन ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे एडिटिंग की परफॉर्मेंस फार सुपीरियर आती है। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में किसी स्टिल इमेज की जगह कोई रनिंग वीडियो आए, जैसे कि इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपने देखा था, तो आप मीडिया ब्राउजर में इंस्टेड ऑफ इमेज कोई अपना वीडियो भी चूज करके डाल सकते हैं, जिससे कि वो ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड में एक वीडियो और वीडियो के ऊपर एक और वीडियो प्लेस्ड है। यहां पर क्रोमा की का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस वीडियो को हम सेव कर लेंगे टॉप राइट में एक्सपोर्ट की ऑप्शन को क्लिक करके, और वीडियो यहां पर हमारा सेव हो चुका है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इसको शेयर कर सकते हैं, सेव वीडियो टू गैलरी। क्योंकि ये पेड वर्जन है तो हम इसको नो थैंक्स फॉर वाटरमार्क, तो इसमें वाटरमार्क कंटिन्यू रहेगा क्योंकि फ्री वर्जन है ये। अगर आप इस ऐप का प्रो वर्जन परचेज कर लेंगे तो इसमें वाटरमार्क हट जाएगा। सेव वीडियो आप अपने मोबाइल की गैलरी से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। दोनों सिनेरियो में लाइक चाहे डिसलाइक कमेंट जरूर करिए कि अगर आपको पसंद आया तो क्यों पसंद आया, और नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया, और मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए नीचे लगे हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। थैंक्स फॉर योर टाइम। दोस्तों जैसे आप जानते हो कि फिल्मों के अंदर होता है कि बैकग्राउंड बदल दिया जाता है।